फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में, मैं हूँ तनुप्रिया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाढ़ थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में बीती रात एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में छापेमारी करने गई बाढ़ पुलिस ने दिलीप यादव नाम के एक व्यक्ति को अवैध देसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है कि एग्जैक्टली किसके घर में है या कितना हथियार है। सूचना मिली थी कि हथियार का था, वहाँ पे तीन चार एक ही साथ घर है, तो जहाँ पे जिस घर पे था वहाँ पे तो हम लोग को कुछ नहीं मिला, लेकिन थोड़ी देर पर हम लोगों ने देखा कि एक महिला कुछ बाहर फेंक रही है, तो जाकर के देखने में देखे कि राइफल ही बाहर डिस्पोज कर रही थी। तो जब घर में गया तो वही दिलीप यादव मिला, तो वो तो गोली कोई नहीं बरामद हुई, लेकिन उसके पास अवैध हथियार था उसका, हालांकि आपराधिक इतिहास का अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो वही उसको लाया गया, उसकी पूछताछ की गई, तो किसी से मतलब अभी उस पर कुछ कुछ बताया है लेकिन बहुत क्रेडिबल नहीं है, तो उसको इसलिए आर्म्स एक्ट में उसको बुक कर दिया है। बिहार में 2020 तक हर घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने, बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने अररिया के प्रेस वार्ता में बताया है। अररिया में विद्यापति महोत्सव के लिए पहुंचे मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा कि शुद्ध पेयजल के लिए अररिया में 520 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी जा चुकी है। यहाँ का जल स्वास्थ्य के कारणों से प्रतिकूल है और इसमें खासकर पेट संबंधी रोगों का कारण माना जाता है। ये एक्सेस है, कभी ये इलाका काला पानी माना जाता था, लेकिन बिहार सरकार ने अपने बड़े बजट को इस इलाका में इस काम के लिए समर्पित किया है कि हम यहाँ स्वच्छ जल देंगे, उस स्तर का जल जिस स्तर का लोग बोतल बंद जल खरीद कर पीते हैं, हम इस इलाके में वैसा शुद्ध जल हर घर में नल के माध्यम से मुहैया कराने का हमारा निश्चय है और हम निश्चय में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रगति संतोषजनक है। मानदेय की राशि बढ़ाने और सरकारी सेवक का दर्जा देने की मांग को लेकर मुकामा प्रखंड कार्यालय पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। मुकामा और घोषबड़ी प्रखंड की तकरीबन 300 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर अपराधियों के बीच हुआ है गैंग वॉर। जिले के सकरा थाना क्षेत्र स्थित मोहनपुर नहर किनारे अहले सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पूरे मामले पर एसएसपी ने बताया है कि विकास एक सातिर अपराधी था, हत्या के कारणों पर पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्द मामले का खुलासा होगा। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर एक दिन का भूख हड़ताल किया है। जाप कार्यकर्ताओं की मांग है कि बिहार में अपराधी बेलगाम होकर लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। धान खरीदारी में घोटाला हुआ, उसकी जांच हो। व्यवसायी गुंजन खेमका की हत्या की जांच सीबीआई से करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। जाप युवा मोर्चा के अध्यक्ष समीर चौहान ने बताया कि राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत डीएम ऑफिस पर एक दिन का भूख हड़ताल किया गया है। जाप के राज्यव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत 5 सूत्री मांगों को लेकर आज पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ता एक दिवसीय उपवास कर रहे हैं। बिहार में जंगल राज की समाप्ति हो, धान खरीद में घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच हो, गुंजन खेमका हत्याकांड की सीबीआई जाँच हो, सामो नेपाल हाईवे पर पुल का निर्माण हो, इन तमाम मांगों को लेकर आज हम लोग का एक दिवसीय उपवास। इस वक्त के बुलेटिन बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।